अस्सलाम दोस्तों, बहुत बहुत खुशामदीद करती हूँ मैं आपको अपने चैनल मेकर्स के अंदर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 6A चैप्टर को, जो के हैं ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल के चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर हम एजुकेशन एंड हेल्थ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, स्लाइड नंबर 2 में हमें ये बताया जा रहा है कि सेन रोल्स क्या है एजुकेशन और हेल्थ के, हमारी डेवलपमेंट में किस तरीके से वो रोल प्ले करता है। ठीक है, आप अगर 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या रोल्स हो सकते हैं एजुकेशन के। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारी कंट्री को क्या क्या फायदा होगा, क्या कंट्री बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों के आपस में क्या लिंक है। 2 मिनट के लिए पॉज करके सोचो, यू विल गेट एन आइडिया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी चीजों के बारे में, और अगर आपकी तबीयत सही नहीं होगी तो हम कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते, जो कि रिफ्लेक्टेड किया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड किया गया है किसके अंदर, हमारे पास इसमें, एक सेकेंड पेन, हाँ, हमारे पास रिफ्लेक्टेड के ये अमर्त्या सेन कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर। अच्छा, ये जो है ना एक टॉपिक है हमारे पास बुक के अंदर, जिसको आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि इसमें डिटेल में क्या बोला जा रहा है। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको वैल्यूज बताई गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है एजुकेशन और हेल्थ की बेसिस पे, ये अप्रोच से बताया गया है बुक में, तकरीबन 2-3 पेजेस के बारे में इसकी डिटेल्स है, तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हो, डिटेल और समझ जाओगे। लेकिन अगर नॉर्मल अल्फाजों में बात की जाए तो इसमें सिर्फ अप्रोच में ये बात बताई गई है कि किस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन हमें मदद देते हैं डेवलपमेंट की तरफ, या कंट्री को बढ़ाने के लिए, या कंट्री को एक अच्छी तरफ ले जाने के लिए। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट है कि हेल्थ एंड एजुकेशन क्या करते हैं, ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके, ग्रोथ के, जो के बाद मैंने अभी बताई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी कंपनी के ग्रोथ में मदद देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपुट्स करता है, और ये बहुत ज्यादा फर्क करता है किसमें, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन में, ये बहुत ज्यादा मदद देता है हमें। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन अच्छी होगी तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, यानी कि एक कंपनी में ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा पाओगे, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से आप ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, ज्यादा प्रोडक्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू इट। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ एज ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो क्या होगा, दीज आर इन्वेस्टमेंट इन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा अच्छी हेल्थ है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो तो आप इम्प्रूव कर सकते हो क्या, रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगर आप अच्छे खट्टे हो, समझ आता है, आपके पास दिमागी तवाजुन भी सब कुछ सही है, सेहतमंद हो, तो आप रिटर्न कर सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो एजुकेशन के अंदर। हेल्थ इज अ फैक्टर इन स्कूल अटेंडेंस, अगर आप बीमार नहीं हो, बीमार होते हैं तो हम छुट्टी करते हैं ना स्कूल से, अगर बीमारी नहीं होंगी तो स्कूल भी जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट से क्या करेंगे, ज्यादा अच्छी हेल्थियर एक्टिविटीज करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, वही बात है। उसके बाद क्या, लॉन्गर लाइफ, ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाएंगे, रेजेस बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन भी बढ़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हेल्थियर पीपल हैव लोअर डेप्रिसिएशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनके पास जो डेप्रिसिएशन कैपिटल, जो उनकी कॉस्ट उनको पड़ी है, वो कम लग जाएगी, यानी ज्यादा अच्छे लोग सेहतमंद भी होंगे और आपके पास पढ़े लिखे भी होंगे। एजुकेशन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती है, अगर एजुकेशन अच्छी हो तो वो किस तरीके से हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, इम्प्रूव द रिटर्न्स टू, अगर एजुकेशन अच्छी है तो हेल्थ में कैसे इन्वेस्ट कर सकती है, कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हम चला सकते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस होगी तो हमें पता होगा कि क्या करना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए हमें स्कूल में पढ़ना होगा। दूसरा क्या है, हाइजीन के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, कि भैया हमें सफाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल होगा, आलूगी वगैरह नहीं पिलाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल हम लोग उसके बावजूद भी वही काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। ठीक है, और मे बी जो कि हमें स्कूल में सिखाया जा रहा होगा वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एजुकेशन नीड इन ट्रेनिंग, हम हेल्थ की ट्रेनिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, हम हेल्थ की ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन नीड इन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल, हम हेल्थ एंड पर्सनल पे एजुकेशन ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें क्या की, पहली बात यहाँ पे की है कि किस तरीके से हेल्थ
इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के अंदर, अगर हेल्थ अच्छी हो तो एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और अगर एजुकेशन अच्छी हो तो हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इस वाली हमने इसमें ये डिस्कस किया। उसके बाद बात की जा रही है कि इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को एंड एजुकेशन को, और क्यों जरूरी है कि हमारी इनकम जो होती है, व्हाई इंक्रीजिंग इनकम इज नॉट सफिशिएंट, अगर हमारी बढ़ती हुई इनकम जो है वो उस चीज के लिए क्यों कम है, उसके लिए वो क्यों कम पड़ रही है। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम ऑफन डू नॉट लेड टू द सब्सिडियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या बोल रहा है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन भी हो रही है। अगर मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, फ़र्ज करो अगर मैं पेरेंट, मैं मदर हूँ अपने बच्चे की वगैरह, तो अगर मैं $50 समझो कमा रही हूँ तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं अपने बच्चे को काम पे नहीं बेचूंगी। ठीक है, इसी तरह का गरीब लोगों की मेंटेलिटी देखो, उसमें क्या होता है, वन मैन आर्मी होती है, यानी कि एक बंदा कमा रहा होता है, सात लोग खा रहे होते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो अगर अच्छा बंदा कमा रहा है, 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, सब फॉर नॉर्मल पुअर की बात नहीं, नॉर्मल अगर फैमिली में अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है एक बंदा, तो उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स थोड़ी ना काम करेंगे, वो तो घर पे ही बैठे हुए, वो तो और कोशिश करेंगे लालच बढ़े और पैसा है और पैसा है। गरीबों में क्या होता है, एक बंदा नहीं 4-5 बंदे कमा रहे होते हैं, हालांकि एक बंदे की इनकम से सही है, लेकिन फिर भी चाइल्ड लेबर तो हो रहा होता है ना। चिल्ड्रंस एजुकेशन जरूरी थोड़ी ना है कि वो चिल्ड्रंस की एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, जरूर ये बात थोड़ी ना कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो हो सकता है वो सेव कर लें और हॉस्पिटल ना जाए, नहीं यार हॉस्पिटल में पैसा खर्च होगा मैं बचा लेता हूँ, अपनी अपनी दवाइयाँ निकाल दूँ, जरूरी ये एक अजम्पशन है यहाँ पे एक तरह की। बट क्या होगा अगर बेटर एजुकेटेड मदर होंगी, यानी कि अगर औरतों के पास तालीम होगी, सब कुछ होगा, तो वो क्या कर सकती हैं, अपने बच्चों को हेल्दियर बना सकती हैं एट एनी इनकम लेवल, चाहे उनकी कैसी भी इनकम क्यों ना हो, वो दिन के 100 रुपये कमा रही है, महीने के 50,000-10,000 उनके घर में खाने पीने को है कि नहीं है, लेकिन अगर उनकी मदर्स एजुकेटेड होंगी तो उनके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे और एक हेल्दियर लाइफ सीखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है माँ से सीखता है ना, तो अगर माँ अच्छा पढ़े लिखी होंगी तो बच्चा भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तो इसमें यह बात बताई गई। उसके बाद जो पॉइंट है सिग्निफिकेंट मार्केट फेलियर इन एजुकेशन, अब ये जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जाती है इंप्लीमेंट नहीं होती, फेलियर हो जाता है, ठीक है, या हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती हैं होता नहीं है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस तरह से पॉलिसीज में आता रहता है कि भैया पॉलिसीज बनाई और फेल हो गई। उसके बाद है कि इन्वेस्टिंग, इसमें ही हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके लिए ह्यूमन की क्या, ह्यूमन कैपिटल अपना किस तरीके से इसको मदद दे सकता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स लगा दें, किसमें, हेल्थ और एजुकेशन में लगाएं, अपने अपने जो हमारे शुरू के पैसे हैं वो हम बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं, उनकी सेहत पे लगाएं, तो उससे क्या होगा, एक हायर फ्यूचर इनकम जनरेट होगी। अगर हमारे घर में, अगर समझो एक फादर है, 5 बच्चे हैं, एक फादर 5 बच्चों की सैलरी पे, अपनी सैलरी को 5 बच्चों पे डिवाइड करता है, चाहे बल्ले खाने के लाले पड़े, कहीं से भी उधार लेके बच्चों की एजुकेशन को कंप्लीट करवाता है, तो अब क्या होगा, अब 5ों लोग एजुकेटेड हो गए, अब वो 5 लोग जितना कमा सकते हैं वो एक बंदे से ज़्यादा कमाएगा। तो अगर इनिशियल में, शुरुआती दौर में अगर बच्चों की हेल्थ पे और एजुकेशन पे जो हर माँ बाप करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर में उसको ज्यादा रिटर्न पड़ते हैं, ज्यादा इनकम उनके पास जनरेट हो जाती है। उसके बाद अगर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रीम, अगर प्रेजेंट डिस्काउंटेड देखें, अगर हम उसको डिस्काउंट करें या कुछ भी करें, तो फ्यूचर इनकम इज टू बी कम्पेयर द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर हम सोचें यार अभी एक काम करते हैं, हम हेल्थ पे तवज्जा नहीं देते, हम सिर्फ बच्चे के एजुकेशन पे देते हैं, बीमार पड़ रहा है तो घर में से कोई भी दवाई दे दो या ये कर लो वो कर लो, यानी कि हम उसमें डिस्काउंट ढूंढ लेते हैं, कहाँ हम अपने पैसे बचा लें, अगर अभी पैसे बचाने की करेंगे ना तो फ्यूचर हमारे पास जो फ्यूचर इनकम जो हमें जनरेट होनी है वो भी कम हो जाएगी, उसकी जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि प्राइवेट रिटर्न टू एजुकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्राइवेट रिटर्न टू एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब यह है कि जिस बच्चे के पास तालीम ज़्यादा होगी ना उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा वो कमाएगा, सोसाइटी में उसकी ज़्यादा रेपुटेशन होगी और मे बी हायर देन सोशल रिटर्न, उसकी उस सोशल रिटर्न से कहीं ज़्यादा उसका जो है ना प्राइवेट रिटर्न होगा, उसका यानी अपना ज़ाती फ़ायदा होगा, एजुकेशन ज़्यादा मिलने से उसके अपनी ज़ाती फ़ायदे ज़्यादा होंगे और सोशल फ़ायदे जो पूरी सोसाइटी को होने वो कम हो जाएंगे। अगर हायर एजुकेशन लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल समझो यूनिवर्सिटी का बच्चा है, अब ये बच्चे ने अगर बैचलर्स की डिग्री कर ली, वो पैसे कमा रहे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद किसे फ़ायदा हो रहा है, उसके घर को फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद कहीं जाके सोसाइटी या फर्म वगैरह को फ़ायदा उसकी पढ़ाई का होता है।